हेलो वेन अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने वाले हैं बटर चिकन। बहुत ही इजी, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, सो लेट्स मेक इट। इसके लिए हमें चाहिए है 1/2 kg बोनलेस चिकन। उसे हम एक बोल में ले लेंगे और उसमें हम 1 चम्मच दही का शामिल करेंगे और 1 चुटकी नमक का शामिल करेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये दोनों चीज़ें ऐड करने से हमारी चिकन की कोई भी स्मेल जो है वो चली जाती है और हमारा चिकन सॉफ्ट हो जाता है। एक पैन में बटर लेंगे और ऑयल लेंगे। दोनों चीज़ें साथ लेना इसलिए ज़रूरी है ताकि बटर जल ना जाए। अब इसमें चिकन ऐड कर देंगे और उसे अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक कि वो सॉफ्ट नहीं हो जाए। चिकन को भूनते हुए हम देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता उसका कलर सफ़ेद में तब्दील हो रहा है और सफ़ेद में तब्दील होने की कुछ ही देर बाद वो गोल्डन ब्राउन कलर में चेंज होना शुरू हो जाएगी। जब ऐसा होने लगे तो आप उसे चूल्हा बंद करके साइड में रख लें। अब एक पैन में दोबारा से बटर और ऑयल का मिक्सचर लेंगे और उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और अच्छी तरह से भून लेंगे। 2 मिनट भूनने के बाद हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। पिसे हुए 5 टमाटर मैंने लिए थे। अब इसमें नमक जाएगा, लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा, कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी, हल्दी जाएगी, धनिया पाउडर जाएगा, जीरा पाउडर जाएगा, गरम मसाला पाउडर जाएगा। इसे अच्छी तरह से भून लेंगे और भूनने के बाद हमने जो चिकन कुक करके रखी थी वो इसमें शामिल कर देंगे। चिकन शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाएंगे और उसके बाद इसमें बटर शामिल कर देंगे। बटर इसलिए क्योंकि ये है बटर चिकन और इसमें बहुत ज़्यादा बटर शामिल करना होगा। बटर शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह से कुक करेंगे। कुक करने के बाद हम इसके ऊपर ड्राइड मेथी लीव्स स्प्रिंकल कर देंगे थोड़े से। उसके बाद हम क्रीम ऐड करेंगे, तकरीबन 3 चम्मच, कोई भी क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कुक करेंगे। जब ग्रेवी थिक हो जाएगी तो चूल्हा ऑफ कर देंगे, प्लेट आउट करेंगे, फ्रेश क्रीम से गार्निश करेंगे और सर्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी सारी वीडियोज़ आप पहले देख सकें।